समय से पहले मैं पहुंच चुका हूं गया 7:30 बजे। साढ़े 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब जाके मैंने एक पानी का बोतल लिया है और एक ये मैंने छोटा सा ब्रेड लिया है। मूरी के बारे में खास बात ये है, मूरी बहुत ही फेमस जगह है। एक मूरी जो फेमस है दोस्तों, वो एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका नाम है नालको, आपने सुना ही होगा। तो गाइस फाइनली हम रांची रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। 7 घंटे सफ़र करने के दौरान दोस्तों अभी हम रांची पहुंचे हैं और ट्रेन से उतरने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी लंबे समय से एक ही सीट पर बैठे रहने के दौरान मेरे हिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो हेलो गाइस, आई एम राहुल पासवान एंड आई एम वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं आप सभी का स्वागत है। सो गाइस सुबह का समय है, लगभग सुबह 5 बजे मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और आज मैं कहीं जा रहा हूँ किसी काम से। मेरे साथ कोई खास मेहमान है जिनके काम से मैं जा रहा हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोस्तों पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और जो गाड़ी है हमारी वो 6 बजे की है और हम जो जा रहे हैं दोस्तों वो पटना जंक्शन से जा रहे हैं रांची, जो कि MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी का सिटी है रांची। और दोस्तों रांची जाने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा और अभी तो फ़िलहाल पटना से रांची जाने के बीच जो होगा वो सारी चीज़ें कैप्चर करूँगा। तो गाइज इस वक्त जो मेरी ट्रेन है वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है और राइट टाइम पर 6 बजे यहाँ से स्टार्ट होकर निकल जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेन। तो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा ये है जनशताब्दी एक्सप्रेस जो पटना जंक्शन से खुलेगी गया होते हुए और बीच में जहानाबाद भी आता है जहाँ मेरा नानी घर हुआ और वहाँ से होते हुए ये रांची जाएगी। तो अभी मैं इसी ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ और सफ़र करने के दौरान मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो अभी ट्रेन को स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना 10 से 15 मिनट तक थोड़ी वीडियो बना लूँ बाहर घूमते हुए। तो 10 से 15 मिनट जब तक ट्रेन स्टार्ट होती है मैं थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ। और सुबह यार क्या बताऊँ यार, रात भर मैं सोया नहीं हूँ। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगा ट्रेन के अंदर। तो वेल तो चलते हैं ट्रेन के अंदर, इससे पहले कि ट्रेन खुल जाए मेरे को ट्रेन के अंदर पहले घुस जाना चाहिए। तो अब बहुत जल्दी मुलाकात करता हूँ ट्रेन के अंदर और ट्रेन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन है जो अब खुल चुकी है पटना से रांची के लिए और ये मैं कुछ अपने हेयर स्टाइल को ठीक करता हुआ, कैसा लग रहा हूँ मैं। और अब हम दोस्तों पटना स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर है ये स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान ही नज़र आता है और यहाँ से हमारी ट्रेन की जो रफ़्तार है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। यहाँ से दोस्तों जोगली जो हमारा रेलवे स्टेशन का जो स्टॉप आएगा वो जहानाबाद आएगा और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहानाबाद मेरा नानी घर हुआ और वहाँ पर ये ट्रेन मात्र 2 मिनटों के लिए रुकती है।
अब आपको जो ट्रेन के अंदर से जो बाहर का नज़ारा दिख रहा है ये है जहानाबाद रेलवे स्टेशन और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ से भी ट्रेन रांची के लिए रवाना हो चुकी है और सबसे पहले अगला जो स्टेशन आने वाला है वो है गया। सो वेलकम गाइज। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद बिहार का डिस्ट्रिक्ट गया रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ जैसा कि देख सकते हैं आप। और मैं और ये रही हमारी जन शताब्दी ट्रेन जो कि रांची जाने वाली है। बात कुछ ऐसी है कि इस ट्रेन का जो सफ़र होता है उनको जो गया पहुंचने का जो समय होता है पटना से जहानाबाद और जहानाबाद से जो गया वो जो होता है वो 7:55 पे होता है। लेकिन दोस्तों ये 7:30 पे गया पहुंचा चुकी है। समय से पहले मैं पहुंच चुका हूँ गया 7:30। और ट्रेन के अंदर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि दोस्तों अगल बगल में जब देखते हैं कि मैं फ़ोन से कुछ बातें कर रहा हूँ या बार बार वीडियो कॉलिंग पे लगा हूँ तो हेजिटेशन सा मुझे फील होता है और लोगों को भी लगता होगा क्या पागल लड़का है जो ये फ़ोन के अंदर लगा रहता है और बात करता रहता है। दोस्तों समय हो चुका है, मेरी ट्रेन जाने वाली है। तो पहली बार ऐसी ट्रेन में बैठा हूँ जो आधे घंटे पहली ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुँचा चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त गया जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से अब रांची के लिए निकल चुका हूँ। और ये एक बहुत बड़ी सी नदी आई है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और इस नदी की लंबाई अब और इस कौन सी नदी है। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम फल्गुन नदी के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं और ये गया में पड़ती है फल्गुन नदी। आप देख सकते हैं क्या फल्गुन नदी को अब यार गेट खिड़की पर बैठ कर बाहर के नज़ारे लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी तो बहुत कुछ देखने को बाकी है दोस्तों तो इसलिए मैंने पहले से वीडियो में कुछ ज़्यादा कैप्चर किया नहीं है क्योंकि जैसे हम झारखंड यानी रांची के अंदर एंट्री करेंगे तब बहुत सारे आपको एडवेंचर चीज़ें देखने को मिलेगा जैसे कि पहाड़ आपको और जंगल
झाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो मैं आपको इसी ट्रेन के अंदर से ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। सो बाहर की जितनी भी चीज़ें वो मैं अंदर बैठे बैठे दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देख सकते हैं, ये राजगीर में मौजूद है, ये एक छोटा सा पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। सो अब यहाँ से आपको, मुझे लगता है कि आप यहाँ से आपको कुछ दर्शन करने को मिलता रहेगा। सो दोस्तों देख सकते हो आप, बड़े बड़े खेत गया के अंदर मौजूद हैं और दूरों दूर तक एक भी घर मौजूद नहीं है। सो फ्रेंड देख सकते हो आप कि बहुत दूर दूर तक एक घर भी मौजूद नहीं है। तो ये है गया की ज़मीन, जैसा कि आप देख सकते हो। हवा का झोंका इतना तेज़ है दोस्तों, जो मेरे हाथ हैं वो मैं जब कैमरे को बाहर की तरफ शूट कर रहा हूँ, लेकिन हवा के झोंके इतना तेज़ है दोस्तों कि मेरे हाथ हिल रहे हैं। तो वह जब आपको गया में जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से। सो ये है पहाड़ियाँ, जो फर्स्ट पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही लंबी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं जिनसे, और जो ट्रेन का रास्ता बनाया गया है दोस्तों वो पहाड़ियों के बीच से बनाया गया है। तो काफ़ी सारी पहाड़ियों को बीच में काटते हुए ट्रेन जाती है। जो आप देख सकते हैं ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी है और बाहर से जो हवा लग रही है, क्योंकि मैं इस वक्त जो बैठा हूँ बिल्कुल खिड़की के बगल में बैठा हूँ, और सीट जो हमने बुकिंग करी थी वो D12 88 और 89, क्योंकि हम दो लोग हैं, और जो 88 जो सीट है वो खिड़की के बगल में हमने सोचकर बुक किया था। बट दोस्तों हमें जो खिड़की मिली है वो बिल्कुल आधी खिड़की मिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो खिड़की ज़्यादा नज़दीक नहीं है, थोड़ी दूर है, बट हाँ ट्रेन की जो दिशा है वो अब पहले से चेंज हो गई है। तो गए आने के बाद इंजन जो पीछे लगा हुआ था हटकर आगे की तरफ आ गए हैं। गया के बाद एक्सचेंज हो जाता है आधे घंटे के बाद, जो गया रुकी थी ट्रेन तो वहाँ से इंजन हटकर आगे की ओर लग गया है, जिससे जो ट्रेन चल रही है उससे जो रफ्तार, ट्रेन की रफ्तार से जो हवा बाहर की है वो अब सीधा हमारे पीछे पे लग रही है। और कल रात से मैं बिल्कुल सोया नहीं हूँ दोस्तों, ना सोने का कारण यही है दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में जहाँ इस वक्त रुका हूँ वहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिस कारण मुझे वहाँ एक ही सिंगल रूम में, जिस कारण मुझे घर से रूम में शिफ्ट होना पड़ा। और इस गर्मी जैसे मौसम में जिस रूम में मैं सो रहा था वहाँ पंखा नहीं था, जिस कारण मैं कोई ज़्यादा अच्छे से सो नहीं पाया। सो वेल अभी तक तो मैं ठीक हूँ, बट अभी बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आ रही है, पर बाहर की जो हवा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो गया से तो हम निकल चुके हैं, तो गाइस अब गया के बाद जो इसका अगला स्टेशन, जो इसका अगला स्टॉप आया वो कोडरमा है। जैसी कोडरमा रुकती है ट्रेन तो मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि अगर 10 से 15 मिनट के लिए भी ट्रेन बाहर रुकेगी तो मैं बाहर से कैप्चर करने की कोशिश करूँगा बाहर का नज़ारा, और किस तरह कोडरमा स्टेशन है। सो अभी तो हम पहरपुर पार कर चुके हैं, और अपने निर्धारित समय से देखा जाए तो अभी जो ट्रेन है वो आधा घंटा पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आधा घंटा पहले ही गया पहुँचा चुका है। सो आगे देखते हैं, यह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ट्रेन अपने सही टाइम पर पहुँचा देगी। फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। देख सकते हैं आप कि अब कोडरमा के नज़दीक पहुंचने के दौरान अब कुछ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, और छोटी छोटी पहाड़ियां आपको नज़र आ रही है। मैं इस तरफ बैठा हूँ, इस तरफ तो बहुत कम पहाड़ियां हैं, लेकिन दोस्तों मेरी जो लेफ्ट साइड में है उस तरफ एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, बट मैं उस साइड बैठा नहीं हूँ दोस्तों। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इस वक्त एक बड़ा सा पहाड़ आए जिसको मैं अपनी वीडियो में कैप्चर कर पाऊँ। तो अभी तक तो मुझे ये जंगल झाड़ियाँ
पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे हैं। और आहा क्या बात है, अब दिखा कुछ ऐसा नज़ारा, तो देख सकते हो उसको, ये थोड़ा थोड़ा हमें पहाड़ी दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ वो दिखाई दे रही है और खेती। हाँ, तो यहाँ से कुछ नज़ारा है जो कुछ अलग तरह का और बहुत ही रोमांचक दिखाई दे रहा है। सो अपने साथ साथ मैं आपको भी रोमांचक चीज़ों का नज़ारा दिखाता जाऊँगा। जैसे थोड़े से वृक्ष या पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ से दिखाई देने लगता है। सो देख सकते हैं आप, गाइस एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, मैं इस वक्त जहाँ से जा रहा हूँ ये भी एक तरीके का पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से होती हुई ट्रेन जा रही है, क्योंकि जिस ऊंचाई से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन की ऊंचाई काफ़ी ऊपर है और पहाड़ के बीच में से काट कर रास्ता बनाया गया है ट्रेन के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन के बगल में जस्ट छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, और ये सीढ़ियाँ अभी हम एक पुल के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। देख सकते हो आप कि इस वक्त ट्रेन एक पुल के अंदर ट्रेन जो गई थी वो एक पहाड़ के बीचों बीच होते हुए आई है। फ्रेंड्स अभी कुछ ही देर बाद अंधेरा होने वाला है, क्योंकि अभी जो ट्रेन है वो फिर दोबारा एक पहाड़ के नीचे से होते हुए जाने वाली है, और क्योंकि मैंने दूर से देख लिया था कि इंजन जो है वो पहाड़ के अंदर जा चुका है और अभी ये हमारी ट्रेन पुल की पुल ट्रेन है। पहाड़ के अंदर देख सकते हैं आप भी बहुत सारी आप देख सकते हैं जो ट्रेन चल के जा रही है अपनी पटरियों से होते हुए बगल में जो अभी ये फ्रेंड्स हम तीसरी गुफा के अंदर जा चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और जितनी भी गुफाएं आएंगी वो सभी को मुझे गिनना है और आपको बताना है कि मैं रांची जाने में कितनी सारी गुफाएं आती है। तो अभी तक हम तीन गुफा पार कर चुके हैं। आपको देख के बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। शहर में रहने वाले लोंडों को तो खासकर ऐसी जगह दिखती नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह देखने के लिए उन्हें उत्तराखंड, हिमाचल, मनाली जैसी जगह पर जाना पड़ता है, और मनाली तो इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है और हिमाचल तो बहुत ही ज़्यादा और भी एडवेंचर जगह है। बट दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मैं राजेंद्र नगर वो पटना से लेकर रांची के बीच का जो सफ़र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं पहले भी पटना से रांची जा चुका हूँ, बट एक बार मैं जब आया था तो मैं बाई फ्लाइट गया था, तो फ्लाइट में यार पता ही नहीं चला था कि घंटे के लिए मैं रांची दिल्ली से बैठा और सीधा रांची पहुंच गया था। तो यार फ्लाइट में सफ़र करने का कुछ मज़ा नहीं आता यार, मज़ा तो यार ट्रेन से ही आता है, जब ट्रेन में जब बाई ट्रेन जब चलती है तभी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स कोडरमा जंक्शन आने वाला है, जाहिर सी बात है कि दो घंटे का रास्ता और कहाँ ये जो 7-8 घंटे का रास्ता, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यार, दो घंटे में तो पता ही नहीं चलता। और
7 8 घंटे की जो खिड़की के पास रहता है ट्रेन से जो बाहर से बाहर का जो मज़ा देखते हैं वो बहुत ही अलग होता है। जिस वक्त मैं नई दिल्ली से रांची आया था बाय फ्लाइट, तो उस वक्त मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं था, इतना अच्छा फ़ोन नहीं था, जिस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि मैं इसे शूट करूँ, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था। पर मैंने इस बार डिसाइड किया कि इस वक्त मैं जहाँ जहाँ घूमूँगा, जहाँ जहाँ जाऊँगा, तो जितनी भी चीज़ें होगी मैं उन सबको ब्लॉग में आनी वीडियोज़ और ब्लॉग के साथ आपको दिखाता जाऊँगा, और दिखाने के दौरान आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। वीडियो बनाने का मकसद, ब्लॉग बनाने का मकसद यही है कि मैं अपनी जितनी भी लाइफ में जो जर्नी है उन सभी को कैप्चर करके बस सेव कर लूँ, और बाद में उन चीज़ों को देख कर जो उम्र चल जाती है, जब बीत जाती है, तो वो जो फेस होता है, वो जो मेमोरी होती है, वो जो रंग ढंग होता है हमारे बोलने मिलने का, वो सिर्फ हमारे दिमाग में यादें बन के रह जाती है। तो इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ और ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रही होगी वीडियो मेरी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी की बात है। सो गाइस, अब मैं कोडरमा जंक्शन पहुँच चुका हूँ और ट्रेन का नज़ारा यार क्या बताऊँ, बाहर की तरफ से जो ट्रेन है बिल्कुल गोल घूमती जा रही है पहाड़ के ऊपर से, मतलब पहाड़ जो है शायद हम नीचे की जगह से कुछ के ऊपर की जगह पे आ रहे हैं, पहाड़ से जो ट्रेन होकर जा रही है वो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी उछी मतलब गोल गोल घूम रही है। अब मैं कैमरे को बाहर भी निकाल सकता क्योंकि दोस्तों अगर मैं कैमरे को बाहर करूँगा मुझे डर है कि मेरे हाथ से गलती से कहीं कैमरा ना छूट जाए और मैं कुछ खोना दूँ, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता अभी। तो जितना हो सके मैं उतना इनसाइड अंदर की तरफ से ही कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा डिटेल्स में समझा ज़्यादा डिटेल वगैरह में अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, हम कोडरमा पहुंच चुके हैं और ये कोडरमा रेलवे स्टेशन है और शायद यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए गाड़ी रुकेगी, तो मैं बाहर जा के कोशिश करता हूँ, थोड़ा 5 से 10 मिनट घूम के आता हूँ कि मैं अंदर बैठे बैठे थोड़ी मेरी कमर और मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। काफ़ी लंबे टाइम से एक ही जगह बैठने पर थोड़ा ऐसा होता है, तो थोड़ा मैं अभी बाहर से घूम के आ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अच्छा हुआ कि मैं ट्रेन से बाहर नहीं उतरा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकी है और उसके बाद जस्ट 2 मिनट बाद ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि मैं बाहर से थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर आ जाता हूँ बाहर से, बट दोस्तों मैं नहीं मिस करना चाहता था इस ट्रेन को। सो मैं जैसे अपनी जगह से उठा वैसे ही दोस्तों दोबारा ये ट्रेन अपने रास्ते की तरफ दोबारा से रवाना हो चुकी है। सो गाइस, कोई बात नहीं, तो आप देख सकते हैं ये है झारखंड कोडरमा रेलवे स्टेशन। So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सर्च मार के बताऊंगा। हेलो गाइस, सो फ्रेंड्स, 5.5 घंटे का सफ़र तय करके जन शताब्दी जो एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, तो अब अपने बोकारो स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आ चुकी है और यहाँ का नज़ारा
और ये कड़कती धूप, जिसे देखकर आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि झारखंड में बारिश होने के बावजूद भी थोड़ी धूप ज़्यादा हो चुकी है। और ये भी हमारी ट्रेन, सो अभी तो फ़िलहाल 11:33 हो चुके हैं, लेकिन अभी तो ट्रेन है 3 मिनट यहीं पर लेट से खड़ी है। और मैं कुछ फ्रेश होने के मूड से बाहर आया हूँ। 5.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब जाके मैंने एक पानी का बोतल लिया है और एक ये मैंने छोटा सा ब्रेड लिया है, और जो कि ऑलरेडी मैं कुछ खाने पैक करा के लेके आया था और कुछ नाश्ते में लेके आया था जो मैं सफ़र के दौरान बीच में खा लिया। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, ट्रेन हमारी अभी जो बोकारो से रवाना हो चुकी है रांची के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं बोकारो से हम निकल चुके हैं रांची के लिए। अभी लगभग सुबह यहाँ से सिर्फ 2 या 3 मिनट लेट हैं ट्रेन जो यहाँ से चली है, और अभी हमें इस ट्रेन के अंदर लगभग 2.5 घंटे बिताने हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अब तो दोस्तों यहाँ से अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है रांची, तो अब जो भी थोड़ा बहुत सफ़र बाकी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर ये पहाड़ दूर से इतने बड़े दिखाई देते हैं, अगर इसे नज़दीक जाकर देखें तो कितने विशाल और कितने बड़े होंगे। मैं तो इन पहाड़ों पे चढ़ा भी हूँ दोस्तों। एक बार मैं जब पिछली बार जब मैं रांची गया था तब मैंने इस पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को मैंने अपने चैनल पर डाला था। तो इस बार अगर मुझे मौका मिले दोस्तों तो मैं इस बार ज़रूर इन पहाड़ के ऊपर जाकर अपनी एक परफॉर्मेंस की वीडियो ज़रूर शूट करके लाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि कुदरत की गोद में बसा हुआ है रांची शहर, और ये जो घर इनके नज़दीक जो बनाए गए हैं, सोच के देखो दोस्तों इन्हें कुदरत की कितनी सुंदर हवा मिलती होगी जो शहर में रहने वाले लोगों को नहीं मिलती। और इस संकट काल में ऐसी प्रकृति की गोद में रहना कितना सुखदायक हो सकता है, ये आप इस नेचर को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गाइस ये देखो, ये है सबसे बड़ा पहाड़ जो अभी तक मुझे बहुत देर से तमन्ना थी कि मैं एक बहुत बड़े विशाल पहाड़ को कैप्चर कर पाऊँ। तो फाइनली दोस्तों मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ कैप्चर करने को मौका मिल चुका है, और यार क्या मस्त है यार। इसके बगल में जस्ट एक और बड़ा पहाड़ है, तो इतने नज़दीक से देखने के बाद यार अब एक आँखों को जो ठंडक मिल रही है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, और आप बाकी आप वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओ यार क्या मस्त नज़ारा है। सो गाइस मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था जब से मैं घंटों से अपनी आंखें खिड़की के पास घसाए यही सोच रहा था कि कब मुझे पहाड़ के दर्शन हो और इस ट्रैक पर। और फाइनली दोस्तों लगातार एक से एक बढ़कर पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं। अमेजिंग यार क्या मस्त नज़ारा है यार। आपको लग रहा होगा कि पहाड़ बहुत नज़दीक है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं तो मैं अपने कैमरे से जूम करके इन्हें पास भी कर रहा हूं, और ये काफ़ी दूर है दोस्तों।
आई होप गाइस कि अब तक जो वीडियो में मैंने कैप्चर करने की सोची थी, जो वीडियो के अंदर दिखाना चाहता था, वो मुझे मिल चुका है। और अब बाकी का दोस्तों मैं आपको रांची के अंदर जाने के बाद ही बताऊंगा कि आगे कैसी वीडियो मेरे को शूट करनी है और कहाँ कहाँ जाकर घूम कर शूट करना है। तो वेल गाइस, मिलता हूँ रांची आने के बाद। तो गाइस वीडियो में बरकरार रहिए और लुत्फ़ उठाते रहिए कुदरत की, और लुत्फ़ उठाते रहिए नेचर का। सो गाइस, ये सब नज़ारा देखने के बाद अब फिलहाल अब तुली जो रेलवे स्टेशन है, एक छोटा सा हॉल्ट है, वहाँ से अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकेगी, तो देखते हैं रुकती है कि नहीं रुकती। यार ये पहाड़ जो बने हैं, ये बने कैसे हैं यार? मतलब एक होता है कि एक जगह पहाड़ है, दूसरी जगह भी पहाड़ है, तीसरे यार मतलब अटैच करके रहते हैं एक दूसरे के साथ। बट दोस्तों इस रास्ते में आप जब रांची की तरफ जाएंगे तो आपको जो पहाड़ दिखेंगे वो एक यहाँ दिखेगा, तो दूसरा 2 किलोमीटर बाद, चौथा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो यार ये एक तरीके का करिश्मा है भगवान का, कुदरत का, जिसे आप मान सकते हो कि। सो गाइस ये देख सकते हैं अभी हमारी ट्रेन जो है इस पुल के ऊपर से गुजर रही है, और इस पुल के उधर भी एक ट्रैक है, और थोड़ा नज़दीक मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा नज़दीक करूँगा नहीं दोस्तों, और वहाँ एक दूर वाह एक नाव भी खड़ी है यार। नाव नहीं, सॉरी टैंक है, सॉरी। सो ये नदी है दोस्तों, यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो बहुत स्लो हो गई है, और यहाँ से इस जो गहराई है ट्रेन से इसके नीचे की, अमेजिंग यार, क्या मस्त नज़ारा है। ओ क्या घास है यहाँ, और वो देखिए दोस्तों दूर पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। और इस वक्त हम ऊंचाई पे हैं, ट्रेन जो चल रही है वो ज़मीन से अभी बहुत ऊपर है, जो नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं पूरा जंगली इलाका है। वहाँ देखिए आप दोस्तों भैंसे जो हैं गर्मी में पानी के अंदर ठंडक का लुत्फ़ उठा रही है। सो गाइस दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त हम मुरी जंक्शन पहुँच चुके हैं। मुरी के बारे में खास बात नहीं। सो फ्रेंड्स इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मुरी जंक्शन, और रांची से लगभग यहाँ से जो रांची का जो सफ़र है वो लगभग ट्रेन से जो है हमारा 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है। और गाइस मैं बता दूँ यहाँ से मुरी के बारे में, मुरी जो फेमस है दोस्तों वो एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और जिसका नाम है नालको, आपने सुना ही होगा कई जगह ये नाम को। सो यहाँ पर एल्युमिनियम की जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, और यहीं से हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पर एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त इस जगह मुरी पहुँच चुका हूँ। Thank you.
फ्रंट देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच से हमारी ट्रेन गुजर रही है और पहाड़ को बीच से काट कर रेलवे ट्रैक बनाया गया है जहाँ से होकर हमारी ट्रेन गुजर रही है। तो बहुत ही एकदम एडवेंचर नज़ारा है यहाँ का। और इस तरफ भी देखिए पहाड़ की चट्टानें आपको साइड में नज़र आ रही है मेरे लेफ्ट साइड, और मेरे राइट साइड भी देख सकते हैं आप। और ये सीधी ट्रेन हमारी पहाड़ के बीचों बीच ट्रैक से होती हुई जा रही है। तो गाइस फाइनली हम रांची रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं काफ़ी लंबे समय के बाद, 7 घंटे सफ़र करने के दौरान दोस्तों अभी हम रांची पहुंचे हैं। और ट्रेन से उतरने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी लंबे समय से एक ही सीट पर बैठे रहने के दौरान मेरे हिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी ट्रेन है वो ये रही सामने की तरफ। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, फ्रेंड्स देख सकते हैं की बात यह है दोस्तों कि ट्रेन में सफ़र करने के दौरान हमारे जो 7 घंटे का सफ़र था, ट्रेन को जो पहुंचाने का जो समय था वो 1:55 पर था, लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि 1:36 पर ट्रेन हमें यहां पर प्रस्थान कर चुकी है। सो अब तक के लिए तो इतना ही दोस्तों, और फिर दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा एक नई जर्नी के साथ। अब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर दोबारा मैं आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।